नाउ इन द पार्ट थर्ड वीडियो वीडियो सेकंड के पार्ट थर्ड के अंदर हम 3D शेप्स पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था 2D शेप्स क्या होती हैं और अब हम पढ़ेंगे 3D शेप्स क्या होती हैं। ये दोनों शेप्स के पार्ट होते हैं। अब 2D शेप्स वो होती हैं जिन्हें हम पेपर पे बना सकते हैं, जैसे कि ये ऊपर सर्कल दे रखा है ये हम पेपर पे बना सकते हैं, पर 3D शेप्स जो होती है उन्हें हम पेपर पे नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ इरेजर, दिस इज अ रेक्टेंगुलर, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दीज टू साइड्स आर इक्वल, बट हम इसे बना नहीं सकते। अगर हम इसे पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट ड्रॉ नहीं आ पाएगा जो कि इसके ऑपोजिट है। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो हमारी पूरी इमेज नहीं बन पाएगी। एंड दिस इज अ बुक, सो दिस वी कैन नॉट ड्रॉ दिस बुक। अगर हम इस बुक को ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इसका ये पीछे वाला पार्ट नहीं आ पाएगा। अगर हम इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो भी इसका ये वाला पार्ट नहीं आ पाएगा। दिस इज अ क्रीम बॉक्स, दिस इज लाइक अ सर्कल, बट वी कैन नॉट ड्रॉ इट। इफ वील ड्रॉ इट, अगर हम इसको बनाएंगे तो ये एक सर्कल के शेप में ऐसे बन जाएगा, पर इसके ऑपोजिट वाला, इसके जो पीछे वाली चीज है ये नहीं आएगी। इसके दो से ज्यादा चेहरे हैं, यानी कि एक तो ये फेस हो गया और एक ये वाला फेस हो गया, तो अगर हम इसे बनाएंगे तो ये वाला पार्ट नहीं आ पाएगा। तो 3D शेप्स वो शेप्स होती है जिसको अगर हम पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो वो पूरी तरीके से ड्रॉ नहीं हो पाएगी। जैसे कि बॉल, बॉल को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो उसका एक ही साइड आएगा, दूसरा साइड नहीं आएगा। पेंसिल बॉक्स, यानी कि जो इस तरीके की शेप्स होती हैं जो सिर्फ एक साइड से बन सकती है, उसका ऑपोजिट साइड नहीं आएगा, उसे हम 3D शेप्स कहते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए, बुक, क्रीम बॉक्स और इरेजर से, ये आपके एक लाइव एग्जाम्पल्स थे जिससे कि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। होप आपको ये शेप्स क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।